मार्वल सीजन 3 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तो देख ही लिया होगा। थैंक यू जिन जिन ने हमें सब्सक्राइब कर दिया है। जिन जिन ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू। आलतू चलालतू आई भला कोटालतू, आलतू चलालतू आई भला कोटालतू, आलतू चलालतू आई भला कोटालतू, चलालतू आई भला कोटालतू, आलतू चलालतू आई भला। हिलना नहीं पुनीत। पुनीत मेरी अभी 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 मेरी अभी लवलीन से बात हुई है पुनीत। रमी कोई कुछ भी कहे अब बस यही तरीका है जो सुष्मिता के प्रकोप से इस घर को बचा सकता है। ये तुम क्या प्रकोप की बातें करती रहती हो? ये झाड़ा सुष्मिता पर करना होगा तभी उसके अंदर का ये प्रकोप निकलेगा और मेरे घर की शांति के लिए ये मुझे करना होगा। लेकिन पुनीत मेरी बात सुनो पुनीत। ये झाड़ा उस पर करना होगा, प्रकोप हटाना होगा और मैं उसको करूंगी। मैं उस पे ये झाड़ा कर कर आती हूँ। अरे पुनीत, अरे पुनीत, अब इनके खाने में मैं मिर्ची डाल देती हूँ, बहुत मजा आएगा। पुनीत होश में आओ। आलतू चलालतू आई भला कोटालतू। जाने दो रमनीक, आज सुष्मिता का काम खत्म मैं ही करूंगी। पुनीत थोड़ा अकल से काम लो। तुम इस तरह झाड़ू लेके उसके पास पहुंच जाओगी तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अच्छा बाबा तुमने जो करना है करो, लेकिन ऐसे उसके पास जाकर नहीं। तो छुप छुप के करूं? हाँ छुप छुप के करो, बस उसको पता मत चलने देना कि तुम ये सब क्या कर रही हो। सुष्मिता खाना लिया बेटा। तू रोटी लिया बेटा। जब तक रोटी आ रही है दाल खाना शुरू करो। हाँ जी। मैं खा के देखती हूँ। ओह, इसमें तो इतनी मिर्ची है। इसमें तो बहुत मिर्ची है। सुष्मिता, इस दाल में इतनी ज़्यादा मिर्ची है। पानी दे मुझे। नहीं भाभी, मैंने जितना डालते हैं उतना ही डाला है। ये रोज जितनी मिर्ची नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मिर्ची है। पता नहीं भाभी, नहीं गलती से डाल दिया होगा। गलती से? मेरे से तो नहीं खाया जा रहा, चलो अंदर ही चलें। बेचारे। हमारे खाने में इतनी मिर्ची मिलाकर खुद इतने मजे से खा रही है, इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। आज एक बार सुष्मिता का झाड़ा कर दूं, फिर इसका खेल खत्म। इसका प्रकोप इस घर से चला जाएगा और हमारी जिंदगी में शांति आएगी। आई भला कुटाल तू, आल तू जलाल तू आई भला कुटाल तू, आल तू आई भला कुटाल तू, आल तू जलाल तू आई भला कुटाल तू, आल तू जलाल तू आल तू जलाल तू आई भला कुटाल तू। क्या हुआ? और बांधो सिर पर कपड़ा
और करो टीवी सीरियल वाली हरकतें। रंजीत मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा बाबा नहीं उड़ाता मजाक, ये तो बताओ कि सुष्मिता का झाड़ा कर दिया था? हाँ कर दिया था, मगर उस झाड़े से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना, एक सुष्मिता को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ये सब क्या कर रही हो, और दूसरा मुझे इन सब चीजों से दूर रखना। ठीक है मैं इन दोनों चीजों का ध्यान रखूंगी, पर आप भी ध्यान रखना कि आप मेरे काम के बीच में मत आना। ठीक है। रमेश को विश्वास नहीं है मेरी बातों पर, एक बार सुष्मिता पर मेरा जादू चल जाए फिर इन सबको विश्वास हो जाएगा। चनाया ला मेरी बारी थी, तूने अपनी बारी कैसे चल ली? नहीं दीदी मेरी बारी थी। नहीं शनाया मेरी बारी थी, सियान तू बता। मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। अब तुझे क्यों नहीं खेलनी गेम? आप दोनों हर बारी लड़ते ही रहते हो। दीदी आपकी वजह से गेम खराब हुई है। मैंने कहा गेम खराब करी? आपने की एकदम चुप हो जाओ, सारा टाइम किट करते रहते हैं। मैंने किया तूने किया तूने किया मैंने नहीं किया, खेलना है तो खेलो नहीं तो चुपचाप कोने में बैठ जाओ। दीदी आप हमसे ऐसे बात करोगे ना तो मैं मम्मा पापा को बता दूंगी। जाओ बता दो जाओ ना, पता है ना उसके नतीजा क्या होगा? क्या होगा दीदी? जब आपके मम्मा पापा मेरे पास छोड़ के जाएंगे तब बताऊंगी। तो जाओ मम्मा पापा को बता दो जाओ। सीमा ने गोली बाबा का नंबर भेज दिया है, अब बाबा जी ही बताएंगे कि सुष्मिता को कैसे हराना है। अभी कॉल करती हूँ। हेलो हेलो बाबा जी, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे सुष्मिता दीदी हमें परेशान करना बंद कर दे? बात तो तूने सही करी, हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या? वो तो सोचना पड़ेगा ना। ठीक है बाबा जी मैं ऐसा ही करूंगी। जी 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 शुक्रिया शुक्रिया। अब बस ये तरकीब काम कर जाए फिर देखना। जी ने कहा था आधी रात का टाइम सबसे सही समय होता है, शुक्र है मेरी नींद टाइम पे खुल गई। जय गोली बाबा। चलो पुनीत हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। नहीं रमीक मैं कहीं नहीं जा रही। पर पुनीत
रमनीक आपको पता है ना हमारे पीछे से सुष्मिता हमारे बच्चे से कितना गलत व्यवहार करती है। पर पुनीत कभी ना कभी किसी ना किसी जरूरी काम से तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना। हम दोनों में से एक ही बाहर जाएगा और एक घर पे रहेगा बच्चों के पास। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, तुम रहो बच्चों के पास। ठीक है। आज देखती हूँ ये सुष्मिता मेरे बच्चों को कैसे परेशान करती है। हाँ सुष्मिता, मैं दबा देती हूँ। सुष्मिता मेरा गला क्यों, छोड़ मुझे। आज मैं नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझे परेशान किया है ना। सुष्मिता सुष्मिता छोड़, मेरा गला छोड़। भाभी भाभी लाओ मैं आपके गला, नहीं 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 मैं, मेरा मतलब है सर दबा देती हूँ। नहीं, मैं देख लूंगी, तू अपना काम कर। अरे लाओ काम कर भाभी, मैं इसे दबा देती हूँ। आराम मिल रहा है भाभी? भाभी मुझे ना आपके घर वापस आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया ना, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पर आपने मुझे दिल से माफ किया है ना भाभी? हाँ 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 सुष्मिता, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपके सर में बहुत दर्द है ना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ गर्म गर्म। ठीक ठीक है। ये मैंने कोई सपना देखा या ये सुष्मिता फिर से कोई खेल खेल रही है? कहीं सुष्मिता पर मेरे जादू का असर तो नहीं हो गया? जय हो गोली बाबा की। कितनी नाटक करना पड़ता है इनके साथ सारा दिन। मन तो करता है कि सारे के सारे चीनी डाल दो, चीनी की जगह मिर्ची डाल देती। अरे भैया आप अभी तक आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। नहीं किया, अब तो कर दो। ओ पाजी सब्सक्राइब कर दो।